नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स टीम। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों के असेसमेंट के लिए सरकारी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि सामान्य परीक्षाएं इन छात्रों की नहीं होनी चाहिए। इन छात्रों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के आधार पर रिजल्ट उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी और टीकरी बॉर्डर पर नोटिस लगाए जाने के बाद किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस फैसले पर केंद्र सरकार का कड़ा विरोध किया है। दिल्ली में बीते 15 सालों में फरवरी में बुधवार का दिन सबसे गर्म दिन रहा। इस दिन का टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में आर्द्रता 100% तक रही। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और हवा में आर्द्रता बढ़ने की आशंका भी जताई है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है, 132 करोड़ लोग उसे देख रहे हैं। हमेशा सत्य की ही जीत होगी। होली के बाद ये किसान नहीं दिखाई देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 200 नए केस आए हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। एक ताजा बुलेटिन की माने तो दिल्ली में कोरोना के कुल केस 6 लाख को पार कर गए हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ।